बैठिए। कोंडम बाबा, ये आपका असली नाम है? जी हाँ, वैसे मैं पैदा हुआ था आनंद कुमार आनंद, यानी आनंद ही आनंद, मगर कोंडम बाबा मैंने नाम औपचारिक तौर पर अपनाया है। ओके ओके, प्रोसीड। योर ऑनर, हमारा आरोप है कि ये कोंडम बाबा कोंडम के प्रचार की आड़ में अश्लीलता फैला रहे। तो कोंडम बाबा, क्या ये सच है कि आपने कोंडम के इस्तेमाल को मस्त टोपी का नाम दिया है? बेशक, क्या ये गैर कानूनी है? बिल्कुल नहीं, लेकिन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल, इससे नौजवानों में मस्ती करने की उत्सुकता बढ़ती है, उनको प्रोत्साहन मिलता है। बिल्कुल नहीं, ये प्रोत्साहन नहीं, सावधानी की घंटी है। लेकिन कॉन्डोम का इस्तेमाल ज्यादातर एक ही काम के लिए होता है, और आप उस काम को बढ़ावा देना चाहते हैं। एक बात बताइए, किसी को काम करने से कभी कोई रोक पाया है? फिर चाहे वो शादीशुदा हो या ना हो। ना हो तो कॉन्डोम और जरूरी है। समस्या का हल पता ही नहीं होगा तो समाधान कैसे निकलेगा? लेकिन खुले आम कॉन्डोम का प्रचार करना लोगों को उस काम का न्योता देने के बराबर है, अश्लीलता है। आपको दुनिया में लाने के लिए जो आपके माता पिता ने किया, क्या वो अश्लील काम नहीं था? योर ऑनर, इनसे कहें कि ये कॉन्डोम तक ही रहें, अपनी हद से आगे ना बढ़ें। ये किस तरह का सवाल है? उस तरह का जिसका जवाब देना जरूरी है। योर ऑनर, मेरा प्रचार करने का ये एक अहम हिस्सा है। करनी पर बेशर्मी और उसी पर स्वास्थ्य को लेकर चर्चा करने पर बंदी, ये कैसा आरोप है? वकील साहब, मैं समाज सेवा का काम करता हूं। समाज सेवा? आप लोगों को मस्ती करने के नए नए तरीके बताते हैं, अपने ढाबे पर आप कॉन्डोम का मेन्यू बांटते हैं। आप एक बात भूल गए हैं, डबल प्रोटेक्शन यानी दुगनी सुरक्षा के बारे में भी बताते हैं। कॉन्डोम और डबल प्रोटेक्शन, दुगनी सुरक्षा, ये बात अदालत समझ नहीं पाई। मैं बाबा पहलवान की तरह ऐरा गैरा नथु खेरा नहीं, जैसा मैं एक डॉक्टर। योर ऑनर, इस कॉन्डोम को, मेरा मतलब है इस कॉन्डोम बाबा को कहें कि कंट्रोल में रहें, और हमारे बाबा पहलवान की सहनशीलता यानी कि शराफत को ललकारे ना। आप धमकी दे रहे? I'm sorry. आप वो डबल प्रोडक्शन के बारे में बताइए। मैं अपने गाने की कुछ पंक्तियां सुना दूं, आप समझ जाएंगे। सुनाइए। बोले कॉन्डम बाबा, एक बात जरूरी कह लूं, अपने कॉन्डम के हैं दो जबरदस्त पहलू। एक तो ये अनचाहे गर्भ को होने ना दे, और दूजा बीमारी फैलाने वाले जंतुओं को फैलने ना दे। यही है कॉन्डम बाबा की समझदारी की कक्षा। अपना लो कॉन्डम, पालो डबल सुरक्षा। वाह, वेरी गुड। आपको कुछ और सवाल पूछना? नो योर ऑनर, फिलहाल मेरे पास कोई और सवाल नहीं है। बाबा पहलवान आइए। नमस्कार जज साहब। नमस्कार जी। तो बाबा पहलवान जी, आपने अश्लीलता फैलाने, युवाओं को भड़काने, समाज को बिगाड़ने का जो आरोप मेरे क्लाइंट पर लगाया है, किस बिना पर? कोई सबूत है आपके पास? चारों तरफ सबूत ही सबूत है जी। और माफ करना, ये जो कॉन्डम बाबा है ना, ऐसे लोग समाज के लिए बहुत खतरनाक है। क्यों? क्योंकि वो कॉन्डम का प्रचार करते हैं। हाँ जी भाई, आप सबसे कहोगे कि कॉन्डम का प्रयोग करो, कॉन्डम का प्रयोग करो, तो हमारे जो मासूम से, जो नाजुक से बच्चे हैं, वो तो भाग जाएंगे। अरे पागल हो जाएंगे वो सारे के सारे। कैसे भाई? कैसे कैसे? कॉन्डम का इस्तेमाल करने के लिए भागेंगे, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक। ठीक है ठीक है ठीक है, मानिए कॉन्डम का प्रचार ना हो तो आपको क्या लगता है कि आपके ये जो मासूम छोटे छोटे बच्चे हैं उसकी तरफ नहीं भागेंगे, उनकी मात्रा कुछ कम हो जाए? अब हमें उनसे क्या लेना मैडम? Point to be noted, Your Honor.
कॉन्डम बाबा का प्रचार सिर्फ उन लोगों को संबोधित करता है जो यौन करना चाहते हैं या शारीरिक संबंध बनाना चाहते हैं। ये तो सिर्फ सावधानी और जिम्मेदारी निभाने की बातें करते हैं, वो भी उन्हीं की सुरक्षा के खातिर। इसमें क्या बुराई? अदालत ने ये पॉइंट नोट कर लिया। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, सुरक्षा के नजरिए से बात ठीक है, लेकिन उकसाना तो उकसाना होता है ना। इसे मस्ती कहना, मस्ती की टोपी कहना, जी जी जी, मुझे तो बोलने में भी शर्म आ रही। वकील साहब, मुझे एक बात बताइए, अगर मैं कहूँ कि मुझे ड्राइविंग करनी है या कोई भी ड्राइविंग करना चाहता है और उसके पास लाइसेंस नहीं है, तो आप उसे क्या कहेंगे, उसकी तरफदारी करेंगे? हरगिज नहीं। एग्जैक्टली योर ऑनर, मेरे क्लाइंट कॉन्डम बाबा का प्रचार भी उस तरह ही है। जो दंपति औलाद नहीं चाहती, ये उनके लिए लाइसेंस की तरह है, जो उन्हें गाड़ी चलाने भी देगा और साथ साथ इस बात का भी इंतजाम करेगा कि कोई अनचाहा एक्सीडेंट ना हो। मुझे तो इसमें कोई बुराई नहीं लगती। क्यों वकील साहब? अब अगर एक्सीडेंट और लाइसेंस के नजरिए से देखा जाए तो कोई बुराई नहीं है। ओ, मेरा वकील होके दुश्मन की तरफदारी कर रहा है। ये तो वही बात हो गई कि मुर्गी को दाना दे हम और अंडा देगी पड़ोस के घर में। देखो जज साहब, योर ऑनर, मैं इस केस के पीछे की साजिश का पर्दाफाश करना चाहती हूँ। तो इस कॉन्डम केस के पीछे साजिश भी छुपी है? जी जी, प्लीज प्रोसीड। हाँ तो बाबा पहलवान जी, आपका जड़ी बूटियों का धंधा है? धंधा नहीं करते मैडम जी, चिकित्सा केंद्र है हमारा, चिकित्सा केंद्र। अच्छा ओके, चिकित्सा केंद्र, जहाँ पर आप लोगों से पैसे लेकर उन्हें कुछ जड़ी बूटियाँ, अंगूठियाँ वगैरह वगैरह दे। जी हाँ जी हाँ। योर ऑनर, फिर तो ये धंधा ही हुआ। जज साहब, इससे कह दे या तो चुपचाप हो जाए या मेरे पैसे वापस कर दे बस। बाबा पहलवान जी, क्या आप गर्भ निरोधक उत्पादक बेचते हैं? और बेचते हैं तो कैसे? हाँ, कभी गोलियाँ देते हैं, कभी पुड़िया देते हैं, कभी फूलमाला, और कभी कभी तो मंत्र भी दे देते हैं। अच्छा, तो आपकी ये गोलियाँ, पुड़िया, फूल माला, मंत्र कितने असरदार हैं, अदालत को बताएंगे परसेंटेज में? मतलब 10, 20, 50, 100? देखिए जी, इस तरह के काम का ना परसेंटेज की मात्रा हम बिल्कुल भी काउंट नहीं करते। यही साजिश है योर ऑनर। विश्व भर में किए गए अध्ययन रिसर्च से स्थापित होता है कि कॉन्डम अनचाहे गर्भ को रोकने में 95% असरदार है। मैं बाबा पहलवान जी से पूछना चाहती हूँ कि इनके ये जो नुस्खे हैं, गोलियां, पुड़ियां, मंत्र, ये कितने असरदार है, प्लीज अदालत को बताइए। ये तो मैडम जी पब्लिक की भावना है, उनका विश्वास है, जिसका बड़ी ही बेरहमी और बेपरवाही से फायदा उठाकर गांव की दीवारों पर बड़े बड़े इश्तिहार देते हैं, करेक्ट? ओहो, अब बात समझ में आई, ये जलता है मुझसे, क्योंकि पब्लिक तो नॉन कॉन्डम के साथ है ना, यानी कि हमारे। गलत, उनके विश्वास, उनकी मजबूरियों पर आप अपनी बेबुनियादी दवाइयों का तड़का लगाकर उन्हें बेवकूफ बनाते हैं। योर ऑनर, सही मायने में तो भड़काना बहकाना इसे कहते हैं, और ये ढोंगी बाबा मेरे क्लाइंट पर आरोप लगा रहा है। अरे बाबा पहलवान जी। हाँ जी, अब कौन सा नया धोखा देने आए हो जी? धोखा देने नहीं आया हूँ, नमक हलाली कर रहा हूँ। अभी भी केस वापस ले लो, नहीं तो चूड़ियां पहननी पड़ जाएंगी। चूड़ियां? हाँ, अगर कॉन्डोम बाबा ने आप पे उल्टा केस कर दिया ना, तो लोहे की चूड़ियां पहननी पड़ेंगी, यानी कि हथकड़ियां। गारंटेड अंदर जाओगे। अच्छा जज साहब, जब अपने ही पराये हो जाए तो गैरों से क्या सीखवा, अपना वकील ही अपने खिलाफ हो जाए तो क्या मुकदमा जीतूंगा मैं। अब ये सामाजिक कॉन्डम की तरफ जाना चाहता है तो जाए, हमें क्या, होने दो बर्बादी, हम तो चले। जय हो। अरे अरे बाबा पहलवान जी, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। अरे बात सुनिए, ये केस डिसमिस किया जाता है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। अब क्या हुआ योर ऑनर? कॉन्डम बाबा के साथ एक सेल्फी हो जाए। हाँ जी जरूर आइए।